दर्शकबिन तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यो दयनीय अवस्था छ बाहिर सुतिरहेको छ टाटी पनि लागेको छैन तर चिसोमा कसरी यो थापिरहनु भएको छ उहाँलाई एकचोटी उठाइदिनुहुन्छ कसैले जग्गा देखो पत्र हामी देखाउँदै छौ यो यस्तो अवस्था छ दयनीय अवस्थामा गरिबहरु यहाँ हुनुहुन्छ र हेर्नुहोस् उहाँको सुत्ने अवस्था धेरै दयनीय छ तर पनि टाटी भएको छैन चारैतिरबाट चिसो छ र उहाँलाई अप्ठ्यारो कति भइरहेको होला पक्कै पनि हामी पनि महसुस गर्न सक्छौ हामी मानव जाति ले महसुस गर्न सक्छौ कतिको समस्या छ यो वार्ड नम्बर 4 को यो हाम्रो सुकुम्बासी टोलमा हेर्दै छौ हामी र यहाँ किन लागै थियो सब सुपरमार्केटले है सब पुरा फिजिकल है थोडा सा पुरा मिसा छ कसरी 20 20 रुपैया 20 रुपैया प्रत्येक जन से 20 20 रुपैया उठाबले कोनो बजारमे रहो हेर्नुस गरीब सँग पनि ट्याक्स 20 रुपैया किन हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौ गरीब मान्छेलाई के कसैले कपडाको अवस्था छैन कसैले अब हेर्नु अब भुकै बसिराछ अब माछा मार्न बेलामा त 20 रुपैया ट्याक्स लगाइदियो 20 रुपैया हामीले आधार पनि नबुझ्दा हामी आधार हामीले पैसे होइ अब स्थानीय सरकार पैसे गरी नगर सरकार हामीले पैसे गरी हामीले गाउँवासी अब हामी कि ठण्डी कि मौसममा यस्तै रहु दर्शकबिन नमस्कार र साथै श्रोताबिन सम्पूर्णलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु आज ईस्वी सम्म 2022 र अहिले भर्खरै बिहानको 7:30 बजेको छ र चिसोको मौसम छ यो चिसोको मौसममा सम्पूर्णलाई हाम्रो होल युनिटको तर्फबाट अर्थात् रेडियो कोल्बी 104.1 मेगाहर्जको सम्पूर्ण युनिट र साथै हाम्रो कोल्बी टिभीको सम्पूर्ण युनिटको तर्फबाट यहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई अङ्ग्रेजी वर्ष 2022 को मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै हामी आज कोल्बी टिभीलाई टोल टोलमा हरेक टोलमा पुर्याउनका लागि हामी जुन जमर्को गरेका छौँ यहाँहरूको सम्पूर्ण साथ र सहयोगको लागि धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ र हामीले वास्तवमा यो कार्यक्रमको मूल उद्देश्य राखेका छौँ कि क्लिन कोल्बी र क्लिन कोल्बी बनाउनका लागि त्यसैले हामीसँगै साथ रहनुहोला र हाम्रो च्यानललाई सेयर सब्सक्राइब र कमेन्ट पनि गर्नको लागि नभुल्नुहोला र साथै देश र विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्णलाई फेरि पनि पुनः अङ्ग्रेजी वर्ष 2022 को मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ धन्यवाद श्रोता तथा दर्शकबिन पुनः नमस्कार र पुनः स्वागत छ र अहिले हामी कोल्बी नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 मा आएका छौँ र यो कुन ठाउँ हो हामी टोल टोलको कार्यक्रममा छौँ त्यो हामी यहाँका स्थानीयहरूसँग बुझ्नेछौँ र यहाँका समस्याहरू पनि बुझ्नेछौँ र अहिले धेरै चिसो लागिरहेको छ मलाई पनि र यहाँ आगो तापिरहेको अवस्था म देखिरहेको छु र म पनि आगो ताप्न गइरहेको छु र आगो ताप्दा ताप्दै पनि हामी कुराकानी गर्ने छौँ र यहाँ हामी सोध्दैछौँ यहाँका स्थानीयहरूसँग परिचय लिनेछौँ आफ्नै शुभ नाम धनीराम धनीराम अपने के शुभ नाम मनोज अपने के शुभ नाम कहल पलटनिया पलटनिया अपने के भोला आई ठाव में जैसे इतना ठंडी पड़ रहा बा चारों ओर आगे ताप देखे दी हमने के ई समय में अपने के नगर पालिका से ओर से चाहे यहाँ के जे स्थानीय जितले बाटे हमने के भेष बहादुर ढकाल जी वार्ड नंबर 4 के अध्यक्ष बाटे ठीक बा न पहले सबसे पहले तो ये कौन टोला पड़ल नया बस्ती सुकुम्बासी टोला हजुर कोल्बी नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 को यो नयाँ बस्तीको सुकुम्बासी टोल रहेछ र हामी यो सुकुम्बासी टोलमा वास्तवमा बुझ्न आएका छौँ यहाँहरूले गरिबहरूले वास्तवमा शास्ति भोगिरहेको छ अहिले आगो तापेर बस्नुपर्ने अवस्था छ र यो अवस्थामा वास्तवमा सहयोग कतिको पाएका छन् नगरपालिकाबाट त्यो सम्बन्धमा हामी विशेष आज यो ठाउँलाई हामी कुरा गर्नेछौँ यस ठाउँका मानिसहरूसँग र अपने सबके कोनो राहत ओथोत मिलल इस ठण्डामे काहेसे त अभी मेयरके देखैत बारी सिंह भन्ज्यान औसने अपनेके विभिन्न ठाउँमे जाके हिउँ खेलैत बाटे औसने प्रमुख प्रशासक अधिकृत हरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ भी हुनकर साथ बानी आ घुम रहल बाटे अपनेके ई अवस्थामे ओकनीके घुमैत बाटे अपने सब ठण्डामे बारी अपनेके कैसन लाग रहल बाटे ठण्डी लागैत दोसर कथी किछु आस न बड़ी कैल नगरपालिका से दी की नदी कह के नदी कुछो नहीं के कह राशन तो देले बा आरू किछो अखनी के ठंडी के मौसम में ना कुछो देले बा अपने के कैसन लगैता ई वास्तव में ई अवस्था में जोन ठंडी बा तो ठंडी के अवस्था में सर्वे करे आलबा कि न नगरपालिका सब सर्वे करे आलबा कि न अब ई कैसन बा सर ई देखो ई त दलित हमनी के जाति बारी गरीब जात बारी ना हमनी के देखो हमनी के मशरूम आइले खाइले हमनी के कोनो अवस्था न देवले बुझली हमनी के ऐसने ऐसने आदमी झुकिया 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 के चल जाते हरदम अब इमें कथी हमनी के सहयोग कर सकते रही हमनी के तो खुद अपने गरीब बारी हरदम कहता जे हई देते रही हऊ देते रही किछो न मिलता माने आके कहले जे हई देम हऊ देम कह के कहले
तो वह अब कहले जे तो के घर दुआर सब चीज हम देते बारी कापर लाता देते बारी अब किछो देबे ना करी तो में हम कथी कर सकते रही गरीब आदमी हमनी के तो अपने सकने आसने बारी देखो धुआं में आगू तो हम अथी कथी करू अपने के ठाव में जो ऐसे ठंडी के मौसम बाटे अभी के लिए तब चारूवरी आदमी सब ठंडा के मौसम में बहुत ही परेशान बाटे अपने के पहले शुभ नाम बतावल जाओ मनीचर आ कैसन बाटे यहाँ के अवस्था जाड़ अपने सबके कितना लाग रहा बा यहाँ के कथ कल जाड़ न सब गरीब देखते बारी टाट फरक केकरो न लगा छकैत है ये तो हाल बा आगे सब तो जोर जोर के तपैत है अपने सब सिरक उरक ना बरिए रख ले घर कहाँ से आए मछली मार मार के तो खाई तारे कथी करल जाए खाली मात्र मात्र आमदनी के स्रोत उहे बाटे उहे बा उहे चार उड़ किने सी खाई सी पिए सी कथी करल जाए कहाँ से आए महीना भर पुग जावल है कि आ उहे में रोज रोज मुआई जाके पड़ल रोज रोज मारे लेवे तो बेच ना भी का लगता तब ऐसे ने ठंडा राम आगे ताप ताप के बैठे जा रही ना देखी जा रही भूखे रहे वाला अवस्था तो कहियो बाटी के औसत ना भाई आप पांच पाला तो ले ले के तो खाइबो करी ये बात बा वास्तव में यहाँ दयनीय अवस्था छ एक दिन माछा मार्ने र अर्को दिन हामी खाने पिउने अवस्था रहेको छ यो अवस्थामा वास्तवमा कसरी सिरकहरू किन्छन् गरिबहरूले कसरी आफ्नो गुजारा गर्छन् कसरी जाडो काट्छन् भन्ने हामीलाई पनि चिन्ता लागेर यो ठाउँमा हामी बुझ्न आएका थियौँ र यहाँका युवाहरू पनि हामी देखिरहेका छौँ उहाँहरूसँग पनि कुराकानी गर्छौँ यी ठाउँमे तोनीके कैसे गुजारा करिता हो अब गुजारा त कैसे अब अपन लिम्बातन छ त काम करै छै हम न त हाम्रो गुजारा ठिकै चलैता है अरू त अवस्था नै छ अब अरू अरू बालबच्चाको लागि पढाएला एनओने अति करेला फेरि कामो करैतारी त फेरि नै खे पुगैत अकेलो आदमी कमाइ बली न केतना कमाउ दुगो बालबच्चा बा परिवार बा बाप मतारी बा है अकेले कमेले कमेतै त पुगैत नै खे बा फेरि अब कहला पर अब नगरपालिका ओर छ चाहे त नेता ओर छ बड़की बड़की आदमी सब कहियो भी के भी सहयोग नै खे करैत उतना ऐसा समस्या अनुसार ठंडी बा कहियो बारिश के टाइम में बरखा लगे पड़े तो कहाँ जाए गरीब आदमी सब कमा इन्होंने घरे रही से जौन रही कमल रही से तो उन्हें खाते रही से पीते रही से हाई वाला कहिया बन लग हाई वाला रास्ता वा रास्ता वा अपने के पानी के मौसम में ही पानी कैसे बहाई है इसमें से पानी नाला पानी अब घरे द्वार में अंगने भीते में है बही है कहाँ जाइए एकर पानी नाला त हैली नै के त कहाँ जाइ पानी हेर्नुहोस् चारैतिरको अवस्था यही छ जबकि नाला बनाउने यहाँ पूर्ण रूपले ठाउँहरू पनि रहेका छन् तर नाला बनाएका छैनन् पहिला उनीहरूले हामीलाई जनप्रतिनिधिहरूले के गरेका छन् भने ढलानै गरिदिएका छन् यो चाहिँ तपाईँको कतिको जायज छ जायज छैन कमेन्टमा हामीलाई दिनुहोला हामी तपाईँसँगै रहन्छौँ र फेरि पनि हामी यहाँ स्थानीयसँगै महिलाहरूसँग केही कुराकानी गर्नेछौँ र बुझाइदिए हामीले वास्तवमै ठाउँमा कैसन समस्या बा अपने सबके यी केहु भेटेआल हो यी जाडके मौसममा केहू भेटेआल हो सिरक उरक देवे चाहे कोनो डसना उसना देवे आयल बरन देवे सिरक उरक केहू किछ नै के देवे आयल बरन सब अइसने मछली मुआवले चाउर किनले खावले सब अइसन त गुजारा कैसे चलै छ तोनी के अब अइसन है अब कथि करबै इसने सब अइसन के धोने जावले बिकावले त किनले ना बिकावले त अइसने रहले सब भूखे सुतर अइसन धोद में माने जाइए जोन भी कहलक तोन उहे से किन के चाउर दाल खैली न त न खैली न आई अपने के हई को जनप्रतिनिधि सब से जारवा में कहियो भेटे आल हो कि न केहू ना केहू आल ही बा ना आल है ना आल तो अपने सब के आश्रय लगैले बारी कि आई कि कैसन लगैता अपने सब के अपन मन में कैसन लगैता आई कि ना लगैले बारी माने न आई है आस लगैले बारी न आई गांव में कथि बाटे कि मसरी मुआक ले आवल न तो माने मतलब कि बिकाए भर बिकावल लास्ट में अब कथि करू बेचारा घर लेके आवल है अब कथी कावले तो घर लेके आवले अब कथी करी भूखले सुते के पड़ी कहियो कहियो समय ऐसन पड़ जावले अब खुद हम आँख से देखे रही हमारे घर यहाँ ना बा उमजन गाँव में हमर घर बा लेकिन हमर यहाँ ससुरारी पड़ल हम यहाँ के स्थिति हम खुद देख चुकल बानी लेकिन यहाँ कैसन स्थिति बा आज मछली ले गल मुआ के जार के समय में देखू आधा घंटा के बाद में जाई सब मछली मारे मछली मुआ जाई वहाँ से मछली अगर कहीं मुआ के ले आ गए ना तो मछली बाजार में ले जाई का जानी आदमी कैसे किनी न किनी आ न बिकाइते सब बेचारा सब घर चलावल हेर्नुहोस् अहिले 8:15 बजिरहेको छ र आधी घन्टा अर्थात् 9:15 बजेतिर माछा मार्दा जाने दैनिक गुजारा कसरी गर्दैछन् त त्यही माछालाई बेच्ने कहिले नबिक्दाखेरि भोकै बस्ने पनि अवस्था रहेको छ यो अवस्थामा कसरी यहाँका स्थानीयहरूले गुजारा गर्छन् वास्तवमा जनप्रतिनिधिले कतिको ध्यान दिनुपर्छ तपाईँहरू आफैले मनन गर्नुहोला र हामीलाई कमेन्ट बक्समा पनि छोड्नुहोला हामी भन्न चाहन्छौँ र अरूसँग माछा बेच्दाखेरि समस्याहरू पनि छन् भन्ने गुनासोहरू आइरहेकोले हामी स्थानीयहरूसँग सोध्छौँ अब तोनीकै अति
कौन ठाम में ले जाए मछलियाँ बेचे? अब बाजार बाजार पर सभी बाजार कहीं कोल्ही बाजार। तब सफी बाजार में जाके ध दिली या बेच लिया चल अली कि कुछ समस्या उमे बा? कौड़ी ला रही सीपा फेंके फेंके करे से या न देवा तो मसी रही इतनो रही तैयो कौड़ी आ न रही तैयो कौड़ी दा के दा करे से एक बेचते मात्र लगे अथी हाला कर कौड़ी ला कथी पैसा वैसा मंगे सो का कौड़ी के मतलब उहे भेलै स्पष्ट रूप में। कितना पैसा लिस? 20-20 रुपया। कितना? 20 रुपया प्रत्येक जन से 20-20 रुपया उठा बोले कोनो बाजार में रहो बाजार हेर्नुस गरीब संग पनि टैक्स 20 रुपया किन हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौ वास्तवमा गरिबलाई दुःख किन यो सम्बन्धित निकायले बुझोस् र गरिबहरूलाई यो हेपाई बडा मुक्त होस् भन्ने हामी पनि चाहन्छौ र पक्कै पनि यहाँ धेरै समस्याहरू छन् अझै पनि युवा हाम्रो बोल्न खोजिरहनु भएको छ हेर्नुस् एउटा कुरा छ के हाम्रो गाउँमा यस्तो छ के यो गरिब मान्छेहरू बसिरहेछ अनि हाम्रो गरिब मान्छेलाई केही कसैले कपडाको वास्ता छैन कसैले अब हेर्नु अब भुकै बसिरहेछ अब माछा मार्ने बेलामा त 20 रुपियाँ ट्याक्स लगाइदियो यस्तो चिसो बेलामा त कसैले हिँड्न सक्दैन तर यस्तो हामीलाई केही अवस्था छ कि छैन भनेर अनि तपाईँहरूले विचार गर्नु हामीलाई के एउटा साधन दिनु पक्कै पनि यो हामी सम्बन्धित निकायमा यो भिडियो हेरेर भए पनि बुझोस् भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ र यो वास्तवमा 20 रुपियाँ ट्याक्स नलगाइदिएको भए गरिब मान्छेहरूलाई सहज हुने थियो दुःख पाउने थिएन त्यो दुःख र त्यो पीडाले मारेको माछा ज्यादा बेच्न सिपा कहिले लोटा फालिदिने कहिले थाली फालिदिने काम भइरहेको छ त्यो चाहिँ नहोस् त्यो हामी कुनै दिन देख्न नपरोस् त्यसको पनि हामी फलोअप गर्नेछौँ हामीसँगै रहनुहोला दर्शकबिन यी अपनेकै कति समस्या भयो यी ठाउँमा कहल जाओ त इठाउने अब हमनी के कैसन समस्या बा अब स्थानीय सरकार अगर नगर सरकार हमनी के अब ढलान तो क दिल हमनी के देखे तो ढलान क दिल लेकिन अब पसी ने हमनी के वास्तव ने हमनी के किसी इन्हें अब ऐसा ठंडी के मौसम होलक हमनी के किसी सुविधा भी ना पाई तारी कह के ऐसा ठंडी के मौसम ने हमनी के एगो गरीब सुकमवासी कह के हमनी के एगो कोनो रास्ता देखा कह के कोनो किसी का हमनी के सुविधा दे वो सुविधा हमनी के ना पाई तारी अभी ने अब स्थानीय सरकार हो को अगर नगर प्रमुख हो को हमनी के कौन रास्ता देखाई कह के हमनी के अब अपने सब आयल वाली तो हमनी के अब सब बताई दी अब ये के बारे में अब अपने आ ई ठाउँमे जैसे हई बन गेल हौ रोड बा ई ठाउँमे बनाए के बेजी तोनी के कहलौ कि न इमे नाला चाहि कह के कहलौ हमनी के बनाए के बेजी ने अब जैसे अब गाँववासी के का नाम कथी होलक पहला जे हमनी के अब सड़क निकालदा कह के अब सड़क निकालला के बाद ने दू बरिस के बाद ने लेकिन अब हमनी के नाला बनी कह के कहिया बनलक ई सड़क अभी ई नाला ई सड़क बनलक कितना बरिस हो गेल 3 साल हो 2 साल होई ता अभी सानी अब जितला के बाद ने ई सड़क हमनी के निर्माण होलक अब ई सार निर्माण होला के बाद ने हमनी के अब यहाँ कोनो बर विकास के किछो न खाली एउटा सड़क बना देल ओकर बाद कुछो कर लेबा ओकर बाद किछो एक एगो ई सड़क मात्र बा अब इन से अब हमनी के अब किछो हमनी के यहाँ सुविधा नहीं है आई त आ किछो के हमनी के आधार भी ना होई त अभी आधार हमनी के कैसे होई अब स्थानीय सरकार कैसे करी नगर सरकार हमनी के कैसे करी हमनी के गाँववासी अब हमनी के ठंडी के मौसम में इसने रहू अब न किसो सुविधा दी कि ना दी अभी अब स्थानीय सरकार अब नगर सरकार अब सोच विचार करू करी अब न करी हमनी के इन्हें अब ठा भी न बा अपने सब उमे किछो जाके न बड़ी बुझले जे कहियो अपने सबके सहयोग करी कि न कहियो ठंडी में आके कहियो देखे आल बा कि न बा अपने सबके अवस्था कथी बाटे देखे आल बा कहियो ठंडी के मौसम ने त हमनी के वास्तव ने हमनी के कहियो स्थानीय सरकार भी नहीं खेल देखे नगर सरकार नहीं खेल देखे देखम आ कितना जना हमनी के चुनाव के वास्तव में देखले बारी दारू मास में बिका जाइए कितना जना पैसा लेके बिका जाइए अपने सब भी तो ठाव में आबे करी ना उ तो यथार्थ बात है कि कहूँ आई ओखनी के आ अपने सबके प्रलोभन दी विभिन्न किस्म के तो अवसर में अपने सब कथी करबे ओखनी के प्रलोभन में पड़ के फिर वोट देबे कि अथी कैसे करबे अब हमनी के अब पहला से अब पहला रलक तो अब सब लेकिन अब मास दारू ने सब बिकाइत रलक सब अथी कहित रलक अब लेकिन अब बुझे वाला अवस्था न रलक अब लेकिन सब अब अपन अपन चेतना बुझ गेल बा खियाई तो खबे कि न अब खियाई तो अब खाई सबके अब खियाई तो खाई लेकिन जथी हमनी के मत आई ना उ हमनी के दी हाँ
अपने कथी कहना बा खिया में आई तो खाही के पड़ी चाहे कोनो पार्टी के आओ स्थानीय के आओ चाहे केहू आओ लेकिन वोट केकरा देबे सब जना खिया तो सब जना के वोट देबू कि केकरा देबे वोट जेकरा अपन मन ने जेकरा मन ईसा करी सेकरा दिया यानी कि जे निमन व्यक्ति रही ओकरा देबे हमनी के जौन कि निमन रही उहे व्यक्ति के हमनी के देम दर्शक बिन तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यो दयनीय अवस्था छ बाहिर सुतिरहेको छ टाटी पनि लागेको छैन तर चिसोमा कसरी यो थापिरहनु भएको छ उहाँलाई एकचोटि उठाइदिनुहुन्छ कसैले जग्गा देखु कत्रो हामी देखाउँदैछौँ यो यस्तो अवस्था छ दयनीय अवस्थामा गरिबहरू यहाँ हुनुहुन्छ र हेर्नुहोस् उहाँको सुत्ने अवस्था धेरै दयनीय छ तर पनि टाटी भएको छैन चारैतिरबाट चिसो छ र उहाँलाई अप्ठ्यारो कति भइरहेको होला पक्कै पनि हामी पनि महसुस गर्न सक्छौँ हामी मानव जातिले महसुस गर्न सक्छौँ कतिको समस्या छ यो वार्ड नम्बर चारको यो हाम्रो सुकुम्बासी टोलमा हेर्दैछौँ हामी र यहाँ लागेको छ सब सिपर मार्ले है सब पुरा भिजिकल है पुनः हामी यसरी नै टोल टोलको कार्यक्रममा तपाईँहरूसँगै रहनेछौँ यहाँहरूको पनि ठाउँमा पुग्नेछौँ कुन दिन तपाईँको टोलमा पुग्नेछौँ हामी यकिनका साथ भन्दैनौँ तर तपाईँको टोलमा हामी एक दिन पुग्ने नै छौँ।